नमस्कार दोस्तों, केएसएच फिल्म में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हेल्दी मिल्क पाउडर बच्चों के लिए। इसके लिए हमें चाहिए आलमंड्स, बादाम, कैशिनट्स, काजू, चिरौंगी, चिरौड़ी, पिस्टेचियो, पिस्ता, इलायची और केसर, सैफ्रॉन। ये पाउडर बनाने के लिए हमें शैलो फ्राई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे शैलो फ्राई मतलब तेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, और इलायची को इस तरह से उसका छिलका निकाल के ये पाउडर पे रखना है। उसके बाद हम बादाम लेंगे पहले, और उसको मीडियम गैस फ्लेम में रखेंगे। बादाम को 10-15 मिनट तक सेकना है, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो कि आलमंड्स ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। इसको फिर हम एक बाउल में निकाल देंगे, और उसके बाद काजू और पिस्ता लेंगे, उसे भी हम ऐसे सेक देंगे। ये अब हमने काजू डाला है, पिस्ता डालेंगे, और उसे भी हम 5 मिनट तक धीमी आंच में सेकते रहेंगे। देख सकते हैं ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे भी अब हम निकाल के उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि इलायची, केसर और चारोड़ी, उनको लेके हम सेक देंगे। अब बादाम, काजू, पिस्ता के बाद हम उसे ठंडा करने के लिए एक डिश में ले लेंगे, ताकि उसे ग्राइंड करना है मिक्सर में तो अच्छे से ग्राइंड हो सके। उसके बाद ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें चारोड़ी, इलायची और केसर, वो तीनों और ये सारा चीज़ लेके हमें मिक्स कर देना है। ऑलमोस्ट ये अभी ठंडा हो चुका है, ये हम मिक्सचर में डाल देंगे। इसको पूरी तरह से ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि बादाम ऑलमोस्ट थोड़ा ऑयल छोड़ता है, इसके लिए उसे। इसके बाद हम डालेंगे इलायची, चारोड़ी, थोड़ा केसर, ताकि दूसरा हम गार्निशिंग के लिए रख सके, और उसे एक ही उसमें ग्राइंड कर देना है। अब ये ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हो हमें इस तरह से ये पाउडर को ग्राइंड करना है, पूरी तरह से हमें इसे क्रश नहीं करना है। ये पाउडर रेडी हो चुका है, उसमें जो हमने केसर जो बचा के रखा था वो हम ऐसे गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो रेडी हो गया, हम एक तपेली में दूध गर्म कर लेंगे। उस दूध में हम 1.5 चम्मच जो पाउडर हमने बनाया है वो डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो आप डाल सकते हो आपकी टेस्ट के हिसाब से, और शक्कर डाल देंगे 2 चम्मच, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से, और उसे फिर 5 मिनट तक हिलाते रहना है, ताकि उसमें अच्छा सा घुल मिल जाए और अच्छा सा केसर का कलर आ सके। अभी आप देख सकते हो ये दूध अभी तैयार हो चुका है, उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद उसे हम बॉटल में डाल देंगे। इसे छिलना वेलना कुछ नहीं है, ताकि पूरा पाउडर बच्चे के मुंह में जा सके। और फिर ये हो गया तैयार पीने के लिए। अब हम अपने बच्चे को ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है तंदुरुस्त पाउडर। यम्मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा।